हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सरभि। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल थेरेपिस्ट एंड उसी रेकी ग्रैंड मास्टर टीचर हूँ। सो अभी हम जो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइक जादुई प्रैक्टिस जो होती है, जादुई प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। इसके पहले हमने 9 डे तक कर चुके हैं और आज जो है आज 10वां दिन है, डे 10 है। ठीक है, तो जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ डे 1 से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप सच में अपने लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं अपने लाइफ को चेंज होते हुए, ट्रांसफॉर्म होते हुए, तो ज़रूर डे 1 से आप प्रैक्टिस करेंगे, डायरेक्टली ये वीडियो पर नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा लाइन वाइज प्रैक्टिस चल रहा है और एक दिन भी अगर स्किप हो रहा है तो हम वापस से स्टार्टिंग से करेंगे। तो बीच में जो मेरी गैप हुई है, मैंने डे 8 तक किया है, तो अब हम क्या करेंगे, डे 1 से वापस से शुरुआत करेंगे और फिर डे 10 तक आएंगे। डायरेक्टली हम 9th डे या 10th डे पे नहीं आएंगे, हम डे 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आज की जो वीडियो है, आज की जो प्रैक्टिस है, वो हम मैजिकल डस्ट के बारे में जानेंगे। अब होता ये है, जाने अनजाने में लोग जो है हमें सर्विस देते हैं। ठीक है, हर एक लोग जो होते हैं, हर एक पर्सन जो होते हैं, वो हमें अपने कहीं ना कहीं काम से हमें हेल्प करते रहते हैं, हमें सर्विस देते रहते हैं, जिसका ध्यान हम कभी रखते हैं, कभी नहीं रखते, कभी ग्रांटेड लेते हैं, और उनको हम कभी भी ग्रेटफुल यानी कि ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते, ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते हैं। तो आज की जो प्रैक्टिस है, ये मैजिकल डस्ट की जो प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस में हम और लोगों को भी थैंक यू बोलेंगे। अब इसमें होगा क्या, ठीक है, तो जो लोग आपके लिए काम करते हैं, जैसे कि आप सुबह जब ऑफिस जाते हैं या जब बाहर निकलते हैं, आपके लिए रोड पूरा क्लीन रहता है, है ना, रोड पूरा क्लीन रहता है। आप जाते हैं, कोई टिकट काउंटर पे टिकट देने के लिए रहता है, अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो कंडक्टर रहता है वहाँ पर। ठीक है, कोई जब आप जाते हैं, आपको इजीली जो है टैक्सी मिल जाती है, ओला उबेर, अभी तो ओला उबेर का ज़माना है, तो ओला उबेर आपके सामने रहता है। लाइक आपने ऑर्डर किया है लेकिन वो आ चुके हैं। ठीक है, तो हर एक इंसान अपने काम के द्वारा आपको जो है सर्विस दे रहे हैं और उनके लिए हम आज तक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं किए हैं। तो ये जो मैजिकल प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस में हम उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। अब ग्रैटिट्यूड क्यों हम देंगे, देखो, जो चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल होते हैं, दैट मीन्स वो चीज़ की ब्लेसिंग्स हमारे पास और भी आते चली जाएंगी, और अगर हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हैं, हम थैंकफुल नहीं हैं, तो वो चीज़ हमें ईजिली नहीं मिलेगी या जो भी चीज़ हमारे पास है वो छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ के लिए जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम उस ब्लेसिंग्स को और भी ज़्यादा अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही है ना, जो चीज़ के ऊपर आप फोकस करेंगे वो चीज़ आपके पास आएंगी। अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं तो नेगेटिव चीज़ आएंगी, अगर आप पॉजिटिव हो रहे हैं तो पॉजिटिव चीज़ आएंगी। आपका सोच जो है, आप उसी तरीके के सिचुएशंस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से हम ये करते हैं कि हम सिर्फ अच्छा, कुछ ब्लेसिंग्स ही हम हमारे लाइफ में जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड की ये जो प्रैक्टिस है, ये जो जादुई हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें सबसे पहला हमें उठकर क्या करना है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो हमारे ग्रैटिट्यूड जर्नल है उसमें हमारे जो भी ब्लेसिंग्स हैं, मिनिमम 10 पॉइंट्स हमें लिखने हैं। लेकिन प्लीज़, ये जो 28 डेज की प्रैक्टिस है, इन प्रैक्टिसेस में जो आपके ग्रैटिट्यूड जर्नल होंगी उसमें एक भी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना आपको करना है। सेकेंड जो चीज़ है वो ये है कि जो भी लोग आपको जाने अनजाने में इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको उनको ग्रैटिट्यूड देना है, दैट मीन्स आपको उनको थैंक यू बोलना है। अब उनको थैंक यू किस तरीके से बोलेंगे, मे बी आप उनको आई टू आई कॉन्टैक्ट करके आपने उनको बता दिया कि आपने ये चीज़ किया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। या फिर आप दूसरा कर सकते हैं, आप अपने मन में ही ग्रैटिट्यूड अपने मन में ही ग्रेटफुल हो सकते हैं। ये दो मेथड है जो आप करेंगे। अब इसमें आपको पूरा दिन में ना 10 लोगों को थैंक यू बोलना है। ठीक है, अपने मन में या उन वो पर्सन को आपको बोलना है, लेकिन 10 लोगों को आप थैंक यू बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ की प्रैक्टिस आज आपको करनी है। और जो लास्ट पार्ट है, जो हमारा रात को सोने से पहले वाला है, वो ये है कि हमें ग्रैटिट्यूड रॉक की प्रैक्टिस करनी, कि पूरे दिन में जो भी अच्छी चीज़ें हुए हैं उनके लिए हम थैंक यू बोल रहे हैं यूनिवर्स को। ठीक है, तो ये आज की प्रैक्टिस है। आई होप
कि आपको प्रैक्टिस जो भी है वो क्लियर हो चुका है। ग्रैटिट्यूड जर्नल और ग्रैटिट्यूड रॉक प्रैक्टिस हम डेली करेंगे, हम एक भी दिन इसे स्किप नहीं करेंगे, हम इसे डेली करेंगे, तो प्लीज़ इसे डेली करना है आपको, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं डे 11 की प्रैक्टिस। तो ये जो 11 डे की प्रैक्टिस होगी वो मॉर्निंग मैजिक है, ठीक है। तो इसमें आपको सुबह सुबह ही ये वीडियो देखना है, मैं वैसे भी वीडियोज़ जो है मॉर्निंग में ही अपलोड कर रही हूँ, तो आप जो है मॉर्निंग में उठकर ही आपको पहले मेरे वीडियोस देखने हैं, उसके बाद आप अपना डे का स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको पता रहे कि आज के दिन आपको क्या करना है। एंड प्लीज़ स्किप मत कीजिए, डिले मत कीजिए कि मैंने वीडियो तो देख लिया है, मैं बाद में करूँगी या बाद में करूँगा। ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है और हमारे प्रैक्टिस वहीं रह जाते हैं। तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं, सबसे पहला रिलीजियसली ये जो प्रैक्टिसेस है इनको आपको करना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। बाय बाय।